નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કહે હો મજે મેં હો નવા વર્ષના બધાને હેપી ન્યૂ યર દિવાળી ગઈ બધાએ દિવાળીમાં બહુ સારી રીતે એન્જોય કર્યો ખુશીથી માણી દિવાળી હવે આપણે પાછા આપણું સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે એટલે આપણે શરૂઆત ભણવાની કરી રહીશું બરાબર ને તમને ખબર છે આપણે શરૂઆત કરીએ ભણવાની બરાબર પાંચમા ધોરણમાં હિન્દી જ લઈએ છીએ શરૂઆત કરીએ એટલે પહેલાં શું કરીએ છીએ સ્વર અને વ્યંજન બોલે છે અને લખીએ પણ છીએ સ્વરમાં શું આવતું હોય છે અ આ ઈ ઉ એવી રીતના આવતું હોય છે અને વ્યંજનમાં ક ખ ગ ગ ચ એવી રીતના આવતું હોય છે ને એ બંને તો આપણે ભણી ચૂક્યા અને સમજી પણ ચૂક્યા અને તમને આવડે પણ છે અબ હમ ક્યાં કરેંગી પતાવે આપકો બારાખડી બારાખડી हम बोलवा में सरल हो बोलवा सरल पड़ी जाए और लखवा ना तेरा थोड़ा कुछ भी जिता हुआ जी कि इतना लखव के भी इतना लखवी ये न मैंने यहाँ लिख कर दी है क्या करेंगे हम उसका पढ़ेंगे कि कैसे हमें पढ़ते हैं उसको सबको पता है और काफ़ी बच्चे को तो बिना देखे लिखना भी आती है और बोल भी सकते है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बारह खड़ी देखेंगे उसके बाद ही हम शुरुआत करेंगे देखो मैंने क्या लिखा है बारह खड़ी लिखी है ना? उसमें क्या लिखा है क का की की कू कु के कई को कौ कं कह ठीक है तो हम क्या करेंगे उसमें क तो लिखा होता है क में पीछे क्या लगता है काना लगता है तो का हो गया की की में क्या होता है की में क्या होता है हँसवा ई लगती है तो की होता है दूसरी की दूसरी की में क्या होता है दीर्घ ई लगती है तो की हो जाती है दीर्घ लग जाता है ठीक है उसके बाद आया कु कू में क्या आ गया हस्व वह बोलते हैं हम कु ठीक है तो में वो लगता है ना तो हस्व आ गया ओ उसके बाद क्या आया दूसरा को दूसरा को में क्या करता है दीर्घ का ओ लगता है तो क्या लगता है दीर्घ को लगता है को बोलते हैं तो वो लगता है के के में एक मात्रा लगती है तो क्या हो गया के? उसके बाद कई कई जैसे हम बोलते हैं ऐ बोलते हैं ना? ठीक है स्वर में बोलते हैं उसमें क्या है गाँव में दो मात्रा लगती है तो क्या हो गया कई उसके बाद देखो को को में क्या आता है मात्रा और काना दोनों लग गया तो क्या हो गया को उसके बाद लिखा कौ कौ में दो मात्रा और एक काना तो क्या हो गया कौ उसके बाद देखो कम क के ऊपर एक बिंदी हिंदी में बिंदी बोलते हैं उसको बिंदी लग गई तो कम बोलते हैं उसके बाद क्या आ गया क क बोलते हैं ना क के पीछे दो लग गया इसे बोलते हैं कह उसी तरह आपको क्या करता है क्या करना है वो मैं बता दू क से कड़े तक स्वर व्यंजन लिखना नहीं है मैंने आप सिर्फ को भी ध्यान दिया कि स्वर में क्या आता है व्यंजन में क्या आता है इसमें आपको बारह कड़ी अपनी नोटबुक में लिखनी है बोलते बोलते लिखनी है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ख लिखा है ना ख ख के पास में नहीं लिखा है उसी तरह आपको क्या करना है खा खी खी खू खू खे ख खो ख खा। वैसे ही आपको क्या करना है पड़ा है बोल बोल कर लिखना पड़ेगा क से तक ठीक है यहाँ तक आपको बोल बोल के लिखना पड़ेगा क से ज्ञ तक जैसे मैंने नोटबुक में लिखा है वैसे आप लिख सकते हो देख कर कैसे मैडम ने लिखा है आपको लगता है कि मैं कोई अच्छी तरह से अलग तरह से लिख सकते हो तो लिख सकते हो ठीक है अब हाँ आपको दोबारा जब मिलेंगे तब हम क्या करेंगे जो आगे का इकाई है वो हम शुरू करने जाएंगे अब हम हाँ आपको दोबारा फिर से मिलेंगे ठीक है